والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي ووسواسي. कंडीशन का मेरा कौन होगा ऐ मेरे माबूदों, वो मेरे अर्श का साया होगा। चुनाचे एक हदीस मुबारका में सात बंदे आते हैं जो अर्श के साये के नीचे होंगे, और बहुत सी और हदीसों में भी ऐसे बंदों का जिक्र है। अब अगर उन तमाम को यकजा किया जाए तो ज़रा सुन लीजिए कौन कौन बंदे क़यामत के दिन अर्श के साये के नीचे होंगे। मुझे लगता है कि मजमे में से हर बंदा क़यामत के दिन अर्श के साये के नीचे होगा। सबसे पहले इमाम आदिल, जो बंदा हुक्मरान हो और अदल व इंसाफ की ज़िंदगी गुजारने वाला हो, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएंगे। फिर शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता हो। अब इस मजमे में मुझे लगता है आधा मजमा तो अर्श के साये के काबिल बन जाएगा, क्योंकि नौजवान गर्म खून आज भी आप देखें सुन्नतें सजा के अल्लाह के सामने उसकी बख्शिश और रहमत लेने के लिए यहाँ आया बैठा है। फिर तीसरा, जिस बंदे का दिल मस्जिद में अटका रहता हो, ये जो जाकिर और सूफी लोग होते हैं ना, इनका ध्यान मस्जिद की तरफ ही रहता है, एक नमाज फिर दूसरी नमाज फिर तीसरी नमाज। तो नौजवान तो पहले ही अर्श के साये में आ गए थे, अब अल्लाह ने बूढ़ों के लिए भी रास्ता हमवार कर दिया। फिर वो दो शख्स जो एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हों, अब जो मुरीद को शेख से मोहब्बत होती है वो किसके लिए होती है? अल्लाह के लिए। इसका मतलब ये कि इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह मुरीद और पीर दोनों को अर्श का साया अता फरमाएंगे। अगर ये मेयार लिखें तो मुझे लगता है कि पूरा मजमा क़यामत के अर्श के साये के नीचे होगा। फिर नबी रिसाल ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह के रास्ते में सदका करे और किसी को पता न चले, दाएं हाथ से सदका करे कि बाएं हाथ को पता न चले, वो भी अर्श के साये के नीचे होगा। फिर वो बंदा जो तन्हाई में बैठकर दुआ मांगे और अल्लाह के खौफ से रो पड़े, कितने मर्द कितनी औरतें ऐसी हैं ज़ाहिर गफलत की ज़िंदगी हो जाती है, गुनाह का इरतकाब हो जाता है, मगर कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है नमाज के बाद तहज्जुद के बाद दिन में रात में बंदे का दिल भर आता है और बंदा हाथ उठाकर अल्लाह के सामने दुआ मांगते हैं और आँखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा मर्द और ऐसी औरत जिसकी आँख से अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू बहा, ये अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमा दें। फिर कोई मर्द किसी औरत को गुनाह की तरफ बुलाए और औरत कहने में अल्लाह से डरती हुई इनकार कर दे, तो ये औरत भी क़यामत के दिन अर्श के साये में होगी। या कोई औरत मर्द को बुलाए और इंसान मर्द गुनाह कर इनकार कर दे, तो ये मर्द भी क़यामत के दिन अर्श के साये के नीचे होगा। फिर अगर किसी ने किसी से कर्ज़ा लिया और मकरूज जो है वो कर्ज़ा अदा नहीं कर पा रहा, और कर्ज़ा देने वाला उसको कहता है कि कोई बात नहीं तुम सहूलत से दे देना मैं सख्ती नहीं करता, तो मकरूज को सहूलत का टाइम देने वाला ये भी क़यामत के दिन अर्श के साये के नीचे होगा। गरीबों के लिए तो अल्लाह ने राह हमवार किया ही था, अमीरों के लिए भी रास्ता हमवार कर दिया। फिर जो बंदा तिजारत में सच बोलता है, तो सच बोलकर तिजारत करने वाला बंदा भी क़यामत के दिन अर्श के साये के नीचे होगा। फिर रात के अंधेरे में जो बंदा मस्जिद में चल के जाता है फजर की नमाज के लिए इशा की नमाज के लिए, ये बंदा भी क़यामत के दिन अर्श के साये के नीचे होगा। फिर यतीम की परवरिश करने वाला, हमारे घरों में बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनमें भाई का बेटा बहन का बेटा जो यतीम हो गया था या माँ फौत हो गई थी, तो दूसरे उसकी परवरिश करते हैं, यतीम की परवरिश करने वाला बंदा ये भी क़यामत के दिन अर्श के साये के नीचे होगा। फिर जिस बंदे की तबीयत होगी ना जल्दी माफ़ करने की, कि दूसरे से गलती हो गई वो गुस्सा नहीं करता जल्दी माफ़ कर देता है, तो हदीस मुबारका में आता है जो दूसरों को दुनिया में जल्दी माफ़ करता होगा अल्लाह उसको क़यामत के दिन जल्दी माफ़ फरमाएंगे और उसको अर्श का साया अता फरमाएंगे। फिर कुछ लोग होते हैं जो रिश्तेदारियों का बड़ा ख्याल रखते हैं,
मामू चचा खुफी रिश्तेदारी जो करीब की होती है, खून की रिश्तेदारी, उनसे ताल्लुक बना के रखना, इसको सिला रहमी कहते हैं। तो सिला रहमी करने वाले बंदे को भी अल्लाह ताला क़यामत में इसका साया अता फरमाएंगे। फिर जो बंदा अपने लिए पसंद करे, वही दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करे, अल्लाह इसको भी क़यामत दिन अर्श का साया अता फरमाएंगे। वो बेवा औरत जो चाहे तो दूसरा निकाह कर सकती है, शादी कर सकती है, मगर बच्चे छोटे हैं और वो सोचती हैं कि मैं शादी कर लूँगी, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, इनको कोई नहीं देखने वाला होगा, वो बच्चों की खातिर शादी नहीं करती, इस बेवा औरत को भी अल्लाह क़यामत दिन अर्श का साया अता फरमाएंगे। फिर वो बंदा जो अल्लाह के रास्ते में जागा, रात उसने जाग कर गुजारी या रात का कुछ हिस्सा जाग कर गुजारा, इसको अल्लाह के रास्ते में जागने की वजह से अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएंगे। एक बंदा जो रिश्वत नहीं लेता, अफसर है मगर रिश्वत नहीं लेता, रिश्वत न लेने की वजह से अल्लाह इसको अर्श का साया अता फरमाएंगे। एक बंदा कारोबारी है मगर सूद का काम नहीं करता, तो सूद को छोड़ने की वजह से अल्लाह इसको अर्श का साया अता फरमाएंगे। एक बंदा गमगीन है तो दूसरा बंदा देखता है कि बड़ा गमगीन है, वो उसका थोड़ा सा तसल्ली दे देता है, दो बोल बोल देता है ताकि इसका गम हल्का हो जाए। जो गमगीन का गम दुनिया में हल्का करेगा, अल्लाह उसको भी क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएंगे। अब आप बताएं कि कितनी औरतें, माएँ, बहनें, वो तो सीधी अर्श के साए के नीचे, कौन है जो भाई को गमज़दा देखे और बहन तसल्ली ना दे, बेटे को गमज़दा देखे और माँ तसल्ली ना दे, बाप तसल्ली ना दे। ये अल्लाह ताला की तरफ से कितनी रहमत है कि मेरे महबूब की उम्मती सारे के सारे एयर कंडीशन कमरे में जाएं, इनको तो क़यामत के दिन की धूप का असर ही ना लगे। जैसे पहले वक्त में माएँ दुआ देती थी ना, बेटा बेटा तैनू ते तत्ती वाह भी ना लगे, गर्म हवा भी न लगे। अल्लाह का ऐसा ही मामला है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके उम्मतियों को क़यामत के दिन गर्म हवा भी नहीं लगने दूंगा, मैं इनको अर्श का साया अता फरमा दूंगा। फिर हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स सुन्नत को जिंदा करेगा, जितने नौजवान जवानी में चेहरे पर सुन्नत को सजाते हैं, ये सुन्नत को जिंदा करने वाले लोग हैं, इस अमल पर अल्लाह इनको क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएंगे। और फिर आखिरी चीज नबी अल्लाह ने फरमाया, जो बंदा मुझ पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता होगा, इस अमल की वजह से अल्लाह इसको अर्श का साया अता फरमाएंगे। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत के साथ रहमत का खास मामला किया और अपने महबूब की रहमतुल्लिल आलमीन के सदके